दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग समय के महत्व को जानेंगे। हम जानेंगे कि टाइम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए टाइम की इम्पोर्टेंस को समझें। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें, आप इस वीडियो के द्वारा टाइम की इम्पोर्टेंस को बहुत ही बारीकी से सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हर क्षण हर मोमेंट आपके लिए अमूल्य है, क्योंकि यह हमेशा हमारे लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। यदि आपका एक मोमेंट भी हाथ से गया तो समझ लेना कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपने खो दी। ये जो अवसर आपने खोया, ये अवसर आपको बहुत कुछ दे सकता था, आप उस अवसर से वंचित हो गए। हर एक क्षण बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती है, इसका कोई सानी नहीं है। जो यह समय हमें दे सकता है वह कोई और नहीं दे सकता। हर क्षण हर मोमेंट को समझने के लिए हमें यह बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि वह कोई क्षण ही था जिसने हमें यह जीवन दिया। उस जन्म के एक क्षण से ही हम सबने इस जीवन जैसे गिफ्ट को पाया है। जन्म से लेकर आज तक के इस समय तक आने में हमने कई क्षण गंवाए हैं, हमने इस दौरान कई अपॉर्चुनिटीज़ को खोया है। अगर हम जरा ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि इतने लंबे समय से हम क्यों इस बहुमूल्य समय को गंवाते रहे। तो हमें पता चलेगा कि इसका मूल कारण हमारी अस्त व्यस्त जीवन शैली है। इन सभी गलत हैबिट्स के कारण हम हमारे जीवन के अनगिनत अवसरों को खोते रहे। हमारी इन बुरी हैबिट्स के कारण हम इस प्रीशियस टाइम को खोते रहे। और यदि किसी ने हमें इसके लिए इन्फॉर्म भी किया होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुलसीदास जी की यह चौपाई तो आपको याद होगी, समय चुकी पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। इसका मतलब यह है कि जब समय चला जाता है उसके बाद पछताने से कोई चारा नहीं होता है, और जब आपकी फसल ही सूख जाती है और उसके बाद अगर बरसात आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमी हैबिट्स, थिंकिंग, एटीट्यूड हमारे कॉन्शियस माइंड पर इस कदर हावी रहते हैं कि हमें सही समय पर सही काम का होश ही नहीं आता। सब कुछ जिंदगी से यूं ही निकलता चला जाता है, जैसे किसी बंद मुट्ठी से रेत निकलती है। जब होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और बिगड़ा काम कभी नहीं बनाया जा सकता। समय चूक जाने पर फिर पछताने से क्या होता है? क्या फ़ायदा यदि सारी खेती सूख जाने पर बरसात हो? कुछ यही फॉर्मूला अपनी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। यदि इस जीवन को संवारना सुधारना है तो अभी इसी समय संभल जाएं, वो आगे कैसे भविष्य में अपने आप को सुधारना है यह सोचें, क्योंकि जीवन व समय दोनों बहुमूल्य है, बार बार नहीं मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल कॉन्शियसली होकर देखो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। आज से ही संकल्प लें कि समय की इस नदी में एक कुशल तैराक की तरह बहेंगे, जो अपनी दिशा तय करता है, जो अपनी राहें बनाता है, हार्ड वर्क कर जीवन को सफल बनाता है, हर मंजिल को पाकर ही रहता है। इसीलिए दोस्तों, समय के महत्व को समझें और इसे यूं ही ना गंवाएं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे कनेक्ट विद अस।